आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त एग रोल रमजान स्पेशल रेसिपी। मैंने सामान निकाल के रखा हुआ है। एक कप मैंने ये चिकन ली है, इसको बॉईल कर लिया है सिर्फ नमक में। एक अदद छोटे साइज की पत्ता गोभी थी, इसको मैंने कट कर लिया है। एक अदद बड़े साइज की शिमला मिर्च थी, इसको भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और एक अदद जो है गाजर थी, ये भी बड़े साइज की थी, इसको भी मैंने इस तरह लंबाई में कट कराया गाइस। ये है लहसुन और अदरक का पेस्ट हाफ हाफ टी स्पून। ये चाइनीज सॉल्ट है हाफ टी स्पून। हल्दी ली है हाफ टी स्पून। नमक लिया है 1 टीस्पून। और गाइस ये है चाट मसाला, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। कुटी हुई मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून। और ये है काली मिर्च पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है। 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। और ये बिल्कुल हल्का सा गर्म हो गया है, ज्यादा तेज गर्म नहीं है। इसमें सबसे पहले हम जो है वेजिटेबल हमने कट करके रखी है वो सारे साथ डाल देंगे। हमने जो पत्ता गोभी कट करके रखी है वो भी सारी इसी में डाल देंगे। ये देखिए मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है और अब सारे मसाले भी इसी में डाल देंगे हम। और इसको थोड़ा सा मिक्स करके इस पे हम कवर लगा देंगे। ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें जो है पानी ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, ताकि इसमें जो है स्टीम बन जाए और स्टीम से जो हमारी वेजिटेबल है ये अच्छी तरह गल जाए। अब मैं इसमें कवर लगाकर रख दूंगी 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, जैसे हम चावल रखते हैं। ये देखिए गाइस मैंने 10 मिनट इसको पका लिया है। आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल का कलर चेंज हो चुका है और ये पक चुकी है। और अब इसमें पानी वगैरह भी बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। इसमें ये चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन जो है मैंने बॉइल करी थी, इसमें सिर्फ नमक डाला था। अब मैंने इसमें विनेगर ऐड करा है 1 टेबल स्पून और सोया सॉस 1 टीस्पून ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, जब तक ये दोनों चीजें भी चिकन के साथ इसमें अच्छी तरह मिक्स नहीं हो जाती। देखिए मैंने कवर लगा दिया है और 1 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल खुश हो चुका है, इसमें कुछ भी अब हमें पानी या लिक्विड कोई भी चीज नजर नहीं आ रही है, विनेगर वगैरह जो हमने डाले थे। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे गाइस। एक कप मैंने मैदा लिया है, उसमें 1 अदद मैं अंडा डाल रही हूँ। और अंडा डालने के बाद अब हम इसमें जो है 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और इन चीजों को हम पहले मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें पानी डाल के इसका हम एक बैटर बनाना है। देखिए गाइस मैंने इसको जो है थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें पानी डालती जा रही हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। हमें बहुत ज्यादा गाढ़ा इसका बैटर नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल पतला सा इसका बैटर बनाना है। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें किस तरह का बैटर चाहिए। ये देखिए अच्छी तरह जो है मैंने मिक्स कर दिया, इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है ऑयल शामिल कर रही हूँ और इसको डालने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए इसको इस तरह से मिक्स करके अब जो है हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरह पहचान करनी है। देखिए चमचे पे हम इस तरह से कोटिंग करेंगे तो एक पतली सी लेयर आनी चाहिए, बस हमारा बैटर इसी तरह का होगा। हमने फ्राई पैन को गर्म करने रख दिया था और उसमें जरा सा ऑयल लगा दिया है, बस सिर्फ ग्रीसिंग करी है, ज्यादा ऑयल नहीं डाला है। अब हम इस तरह से बैटर को लेंगे और डालकर और इसको चारों तरफ फैला देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जबरदस्त बनते हैं गाइस ये। और देखिए मैंने जो है मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डालकर इसको और फैला लिया है। चम्मच की मदद से भी आप इस तरह से लेवल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी टूटते नहीं है और बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं, आप बहुत ही आसानी से ये घर में बना सकते हैं। ये देखिए मैंने जो है इसको चम्मच से अच्छी तरह लेवल कर दिया है और 30 सेकंड के अंदर ही ये पककर तैयार हो जाता है। ये देखिए एक रैपर जो है हमारा तैयार हो चुका था। मैंने इसको जो है अखबार पर रखा है, इसको अखबार पर रखना जरूरी है ताकि इसमें जो है स्टीम ना बने। और दोबारा से हम इसी तरह जो है बटर को डालेंगे और डालने के बाद इसको इसी तरह फैला लेंगे, जहां से आपको गैप लगे चम्मच से इस तरह लेवल कर दें। और इसको जो है फिर हम इसको पकने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पर। ये वाला भी जो है 30 सेकंड में ही पक जाएगा गाइस। जैसे ये पक जाएगी एक साइड तो हम इसको पलट देंगे ताकि दूसरी साइड पे भी इस पे थोड़ा सा जो है ये पक जाए। और ये देखिए ये भी हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसको जो है निकाल लेंगे। इसी तरह हम दोबारा से जो है फ्राई पैन में बटर डालेंगे और इसको फैला लेंगे गाइस। और एक ही दफा हमें जो है फ्राई पैन को ग्रीस करना है, बार बार हमें ग्रीसिंग करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए मैंने जो है बटर को अच्छी तरह फैला लिया है, इसको भी मैं इसी तरह पका लूंगी। इसी तरह मैं सारे के सारे एग रैपर्स बनाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस हमारी जो फिलिंग हमने तैयार करी थी वो ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है मेयोनीज ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आता है। ये देखिए इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा गाइस मैंने जो है 4 रोल बनाए थे, इसलिए मैंने थोड़ी सी कटोरी में अलग से फिलिंग लेकर इसमें मेयोनीज ऐड करी है। अगर आप चाहें तो सब में भी मेयोनीज ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा ऐड करिएगा। ये देखिए अब हम एक रोल पट्टी लेंगे, इसमें जो है फिलिंग को डालेंगे और फिलिंग डालने के बाद जो है हम इसको कवर करेंगे। गाइस आपकी मर्जी, आप कम ज्यादा जितनी चाहे फिलिंग इसमें डाल सकते हैं। मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें डाल रही हूँ। और ये मैंने लई बनाई है मैदे की और ये इससे हम जो है इसको चुकाएंगे। 2 टीस्पून मैंने मैदा लिया था, इसको तकरीबन 2 टीस्पून ही पानी डाल के इसकी लई बना ली है और इससे अच्छी तरह हम इसको चुकाएंगे। और अब हम इसको इस तरह रोल करते रहेंगे और अच्छी तरह लई लगा देंगे ताकि कहीं से खुले नहीं। बहुत ही जबरदस्त ये रोल बनते हैं, आप लोग इसको एक दफा जरूर ट्राई करिएगा। आप लोग बेकरी से लाना भूल जाएंगे। ये देखिए कितना जबरदस्त ये तैयार हुआ है और इसकी जो पट्टी है इतनी सॉफ्ट और इतनी जबरदस्त है। ये देखिए मैं आपको मुट्ठी में लेकर दिखाती हूँ, ये देखिए आप कहीं से भी टूटेगी नहीं और कहीं से भी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी मुट्ठी में लेने से भी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जबरदस्त ये बनी है। ये देखिए गाइस मैं इसको भी इसी तरह रोल को बना लूंगी। ये देखिए गाइस अब मैं इसको भी इसी तरह लिपेट रही हूँ और लिपेटने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह लई लगाएंगे और इसको चुका देंगे। ये देखिए मैंने सारे रोल इसी तरह बना लिए हैं, अब हम इनको जो है फ्राई करते हैं। मैंने फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डालना है हमें इसमें। और ऑयल डालने के बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में, लेकिन ये इसी तरह हल्की आंच पर ही फ्राई किए जाते हैं। ये देखिए गाइस तकरीबन 5 मिनट हो गए थे इसको फ्राई होते हुए, आप देख सकते हैं कलर कितना जबरदस्त आ रहा है और जो है बहुत ही जबरदस्त खुशबू भी आने लग गई थी इसमें से। इस तरह से हम इनकी साइडें चेंज करते हुए भी इनको साइडों से भी क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। ये हमारे रोल जो है फ्राई हो चुके हैं, कितने जबरदस्त और कितनी क्रिस्पी लग रहे हैं देखने से ही। तो अब मैं इनको निकाल रही हूँ, दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से रोल का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है।